सेना नायक कितना भी बलवान हो, लेकिन अगर सेना कमजोर है तो जनता को दिक्कतें उठानी ही पड़ेंगी। देश के प्रधानमंत्री भले ही हाथ में झाड़ू लेकर रोड पर निकल जाते हों और स्वच्छ भारत की बात करते हों, लेकिन अगर उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी अपनी आंखें बंद कर लें तो जनता का भला कैसे होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके का है, जहाँ पर रोड में बहते सीवर के गंदे पानी की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चारों तरफ घर है, घनी आबादी है और ये इलाका भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दिल कहे जाने वाले ठाकुरगंज का है, जो कि लखनऊ की असल पहचान है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा काला धब्बा है, इसने पूरी कॉलोनी के नाक में दम कर रखा है। रोड पर बहते हुए जरा इस गंदे पानी को देखिए। ये तस्वीरें प्रशासन की लापरवाही और हीला हवाली को दर्शाती हैं। किसी नाले के किनारे से निकलते समय हम अपना मुंह ढक लेते हैं, लेकिन जरा इन मोहल्ले वालों के बारे में सोचिए, जिनके घर के सामने ही रोड एक नाला बनकर रह गई है। और ये हाल पिछले 2 सालों से है। जब हमारी टीम इस मोहल्ले में फैली गंदगी का जायजा लेने पहुंची तो लोगों ने घरों से निकलना शुरू कर दिया और एक एक करके अपनी परेशानियों से हमें रूबरू कराने लगे। अब इसी गली में रहने वाले राहुल श्रीवास्तव की भी सुन लीजिए, जिनका कहना है कि पिछले 2 सालों से वो लगातार इस मामले की शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ अभी तक बस निराशा ही लगी और इस गंदगी की वजह से उनका पूरा घर भी बीमार है। गंदगी यहाँ काफ़ी सालों से है और इसका कोई अभी तक हल नहीं निकला है। मैं यहीं का निवासी हूँ, ये सामने मेरा घर है और करीबन 2 साल से यहाँ पे लगातार पानी आता ही रहता है, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक के। स्कूल के बच्चे गिरते हैं, घर के लोगों में परेशानी होती, घर के अंदर कीचड़ जाती है और अभी कितने लोग यहाँ पे बीमारियाँ मच्छरों की वजह से कितनी फैली हैं, कितने लोगों ने इलाज करवाया, यहाँ डेंगू हो गया था, यहाँ गड्ढों में पानी भरा रहता है। और मेरे घर की नींव सर जो कि है 2 साल से बैठी हुई है, पानी जाता रहता है लेकिन रुकता नहीं है। यहाँ हमने काफ़ी जगह शिकायत भी, मेरे पापा ने जो कि शिकायत दर्ज कराई है, ये मेरे पास पेपर भी हैं, जलकल विभाग में किया है और लोक मंगल दिवस में ये पेपर मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के सामने। सारी एप्लीकेशन है, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया ये दिए हुए, लेकिन अभी तक के इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। और पूरे निवासी के लोग यहाँ से पीड़ित हैं, रोड की वजह से, कूड़े की वजह से बाहर आना मुश्किल हो गया। घर में कोई मेहमान आता है तो कहता है कि तुम लोग कहाँ पे रहते हो, किसी जगह पे तुम लोग का घर है। मतलब एकदम जो भी चल रहा है मोदी जी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान, उसके नाम पे जीरो है यहाँ का एरिया। यहाँ पे कोई कार्य भी ऐसा नहीं हो रहा जिससे मोदी जी के कार्यक्रम को आगे चल के सहानुभूति मिले कि ये उनके स्मार्ट सिटी वाला यहाँ कोई काम हो रहा है, उसके बेस पे कोई भी काम नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ से बहुत परेशान हैं इस एरिए से और काफ़ी लोग तो यहाँ से मकान अपना बेच के चले गए इसी समस्या की वजह से, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो सुना आपने किस तरह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन जिम्मेदार है कि अपने कान में तेल डालकर बैठे। जनता की तमाम मुसीबतों को लेकर जब हमने स्थानीय पार्षद से बात की तो वो अपना रोना लेकर बैठ गए। उनका कहना है कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बात ही नहीं सुनते और रोड जल निगम और बिजली विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। बिल्कुल सच्चाई बात है कि 1.5 साल लगभग तो हो ही गया, 2 साल पहले तो ये रोड बनी थी, 2 साल से कम ही टाइम हुआ होगा, बल्कि एक बार बरसात हो गई उसके बाद तो गड़बड़ हो गई थी, फिर बरसात के बाद तुरंत बनी। लेकिन उसके बाद में ये सीवर का यहाँ कनेक्टिंग काम शुरू हुआ तो उस कनेक्टिंग सीवर के काम की वजह से मेन लाइन जो इसकी ट्रंक लाइन है वो आगे कहीं से चोक है, उसको आज तक जल निगम साफ़ नहीं करा पाया और उसके बाद में सारे कनेक्शन कर दिया कनेक्टिंग, उसका जो पानी का सबका यूज़ होना शुरू हुआ तो वो ये एरिया सबसे नीचा था, यहाँ पे 2 चैम्बर पूरी तरह से 3 चैम्बर बहने लगे, जिसकी वजह से इस रोड पूरी चली गई, पूरी रोड चली गई। और आज तक उसको फिर कहते कहते जल निगम से भी मैंने कहा, प्रोजेक्ट प्रबंधक से मैं डालीगंज में खुद मिल करके आया, मैंने चिट्ठियाँ दी, आज भी उनके पास चिट्ठियाँ मौजूद हैं। फिर कई महीने बाद ये क्लियर हुआ कि ठाकुरगंज चौराहे से जो लाइन हमारी ट्रंक लाइन जा रही है उसमें बिजली के तार पड़ गए। साहब मैंने बिजली विभाग को लिख दिया, बिजली विभाग इसको करेगा, पहले बिजली विभाग अपने तार निकाले तब मैं उसको सफाई करूंगा। फिर हम लोग उस पर लग गए, बिजली विभाग कहने लगा कि मैं नहीं निकालूंगा तार, बहुत बड़ा काम है ये, अब मैं लाइट कैसे इतने दिन काटूंगा। फिर खैर बहुत दबाव करने पर
एक बी एन अग्रवाल जी के बेटे हैं, यहाँ सचिवालय में थे, वो गए और हम लोग गए, फिर एक्सीएन से बात की, चीफ साहब से बात की बिजली विभाग के, तो खैर उन्हीं ने तार डालने पे, वाला तार निकालने पे राजी हुए। अब काफ़ी साल मतलब काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद तो अभी पिछले हफ्ते से ठाकुरगंज चौराहे से एक दूसरे केबिल की तार पड़ रही है, तो वो आधी पड़ भी चुकी है, तो अभी दो दिन से काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मैं बराबर उस पर नज़र रखे हूँ, तो वो दो दिन से काम रुका हुआ है, शायद दो चार दिन में हो ही जाएगा। तो अब वो लाइन एक बार जुड़ जाए, उसके बाद वो जो चैम्बर बता रहे हैं चौक है, उसके बाद वो चैम्बर क्लियर करा करके फिर उसमें ये क्लियर हो जाए कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बारह इतना काम उन्हीं ने शुरू किया है एक डेढ़ साल के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, मेरे और क्षेत्रवासियों के बहुत मेहनत करने के बाद, बल्कि यहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ, हम बराबर दौड़ते रहे, मेरी चिट्ठियाँ अगर कोई चेक करना चाहे तो वहाँ प्रोजेक्ट प्रबंधक के यहाँ लगी हुई हैं, बिजली विभाग के एक्सीएन से बराबर बात करते रहे, उसने कहा कि आज एक्सीएन साहब ने कहा कि नहीं बहुत जल्द तार पड़ने वाले हैं, खैर बहुत जल्द कहते कहते, लेकिन अभी एक वक्त आया, अभी बीच में पिछले संडे गया है, उसमें दैनिक जागरण वालों ने पूरा यहाँ वो किया, सर्वे किया, उन्हीं ने किया आए, फिर उसके बाद में खैर उनकी वो भी आए, उन्हीं ने भी छापा आपा, लेकिन खैर अब तार पड़ रहा है, अब वो तार दो चार दिन में उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही इसको क्लियर हो पाएगा कि ये क्या है, बस यही बात। तो सुना आप, जब अधिकारी स्थानीय पार्षद की ही नहीं सुनते तो वह लोगों के कितने रहनुमा होंगे, इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। इस पूरे इलाके की आबादी लगभग 60,000 है और रोज हजारों लोग इस रोड से होकर गुजरते हैं। इस रोड की वजह से कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन आला अधिकारी शायद किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को भी पलीता लगा रहे हैं। रोड पर बहते गंदे पानी और कूड़े की वजह से स्थानीय लोगों का जीना कितना मुश्किल हो गया है, ये खुद उनकी जुबानी ही सुन लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान, लखनऊ बनेगा स्मार्ट सिटी, ऐसी तमाम तरीके की बातें तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें स्मार्ट का एस भी आपको नजर नहीं आएगा। लखनऊ का ठाकुरगंज इलाका है, दिखाना चाहेंगे, काफी पॉश इलाका है ये, लखनऊ का केंद्र कहा जाता है, काफी पुराना लखनऊ भी कहा जाता है। वहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए लड़का जो है सामने आ रहा है, इसी रोड के बारे में हम बात कर रहे थे, ये लड़का देखिए, एक मिनट आप रुकिए, आप क्या क्या नाम है आपका भाई साहब? शिवम नाम है। शिवम, मैं देख रहा हूँ अभी हम दिखा ही रहे थे, हमने अपनी स्टोरी की शुरुआत ही की दिखाने के लिए और आप सामने से आ गए और गिरते हुए आप मुझे बचते हुए इसमें नजर आए, कब से निकलते हैं यहाँ पे, क्या क्या ये व्यवस्था है? यहाँ से 3-4 साल हो गए हमें निकलते हुए, रोड कभी सही नहीं हुई, खाली वहाँ डेंगू वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जमादार भी नहीं आता उधर वाले, एक तो 3-4 साल हो गए रोड को खराब हुए खाली। तो आप लोग रोज इधर से निकलते हैं, आपके दोस्त भी परिवार भी निकलते हैं, कभी कुछ ऐसी घटना हुई क्या गिरते हुए? हो चुकी है, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे, मेरे पापा ने शिकायत भी करी है सब जगह पर, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई भी कितनी शिकायत करी गई है, रोज इधर से निकलते हैं, कुछ नहीं, बहुत टाइम से ये सब खराब पड़ा हुआ है और प्लस जमादार साहब भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब डेंगू वेंगू सब फैल रहा है, कितने लोग गिर चुके हैं मोहल्ले के, सब लोग क्या करें, सब लोग शिकायत करते हैं पर कुछ जवाब ही नहीं आता उधर वाले से। तो ठाकुरगंज का जो एरिया है ये है क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं, दो डिपार्टमेंट की कमी है, जल निगम और बिजली विभाग। इस लोगों का यहाँ पे कहना है कि जो जल निगम है उसका जो सीवर लाइन है उसके ऊपर से बिजली की लाइन से यहाँ पे डाल दी गई है, जिसके वजह से जो सीवर है वो चौक हो गया है, 2 सालों से ये बह रहा है, शिकायत करी जा चुकी है लेकिन अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है, सर आपसे जाना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? सुशील कुमार। सर कितने सालों से लगभग यहाँ पे रह रहे हैं? 25-30 साल तो हो गया। 25-30 साल आपको हो गया और ये मैं जो स्थिति देख रहा हूँ, इतनी खराब, इतनी गंदी स्थिति में रहेंगे, तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं और तरीके के जो दिक्कतें हैं उसका भी सामना करना पड़ता है आप लोगों को? तो ये करना पड़ता, बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है और बहुत ज्यादा ये सड़क खराब है, 1.5 साल तो खराब आई है, वहाँ से बिल्कुल खराब, डैमेज है, सीवर आप देखिए अभी पानी नहीं आ रहा, बंद पड़ा है, उसके बाद भी चल रहा पानी, उसके बाद जो है 4-5 सीवर बहते रहते हैं, बिल्कुल सीवर बहते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब अभी ये हाल है अगर बरसात होगी तो उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है पानी भर जाएगा, लोगों के घरों में घुस। जिस टाइम पे पानी आता है उस टाइम पे यहाँ पे फ्लो और तेज हो जाता है, इस टाइम पे अभी आपको कम नजर आ रहा है लेकिन जिस टाइम शाम के समय पानी आता है और सुबह के समय पानी आता है उस टाइम पे यहाँ पे फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है कि बिल्कुल एक तालाब की तरह दिखाई देने लगता है।
आप लोग यहाँ रहते हैं, तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ पानी की ही दिक्कत नहीं है, रोड ही नहीं खराब है। दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि इधर ये जो गंदगी दिखाएं, किस तरीके से कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तमाम तरीके की बातें की जाती हैं कि यहाँ पर इको ग्रीन की गाड़ी आती है और कूड़ा उठा के लेके जाती है, लेकिन जो लोगों के घर बने हुए हैं, किस तरीके से आवारा जानवर भी यहाँ पर है, छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पर निकलना मुश्किल हो गया है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि यहाँ पर गंदगी है, पानी भरा हुआ है। और भी स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? प्रेम बाबू तिवारी। सर तिवारी जी, ये बताइए, आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, इतनी ज्यादा गंदगी है मैं देख रहा हूँ, किस तरीके से आप लोग रहते हैं? इससे पूर्व जो सभासद थे ऐसी गंदगी नहीं थी, ठीक है ना, उनसे कहने पे निस्तारण होता था, लेकिन जब से ये चुनाव ये दोबारा हुआ, ये सभासद बने हैं, तब से जो है गंदगी के अलावा और कुछ नहीं, नालियां आपको दिखाई पड़ रही, सड़क पे पानी बह रहा, कूड़ा ये मजबूरी में लोग यहाँ डाल रहे, क्योंकि जो जमादार तीन तीन लगे हुए थे उनमें से एक भी जमादार नहीं आ रहा है, और जो जमादार लगे थे उन पे क्षेत्र ज्यादा है, गलियां ज्यादा हैं, ठीक है। इधर के भी रोड पे आप शाम को निकलिए तो दो है, पूरी सड़क पे आपको पानी मिलेगा, इस सड़क पे पूरी पे पानी मिलेगा। शिकायत भी कहीं ना कहीं आपने जरूर की होगी, उसका कुछ? कई बार जो है नगर निगम में की गई, कई बार सभासद से की गई, लेकिन कोई सुनाई नहीं, और आज भी मैं शिकायत करके आया हूँ, यहाँ तक कि 1076 पे जो टंकी खराब है इसकी कंप्लेन अभी लिखा के आया हूँ। सभासद का तो कहना है कि ठाकुरगंज के चौराहे से ये टूटा हुआ है और हम उनका उसमें कोई लेना देना नहीं है, और इस तरीके से बातें बता रहे हैं। वो तो बातें बता ही रहे हैं, वो तो हम लोग कई साल से सुनते चले आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, देखिए सब भरा पड़ा है, सब ऐसे ही बह रहा, कोई उसमें कोई वो नहीं। तो दिक्कतें जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ पे देखने वाली हैं कि लोगों के घरों के सामने, बरसात का मौसम नहीं है तब ये हाल है, तो सोचिए जब बरसात होती होगी तब यहाँ पे क्या हाल होता होगा। इलेक्शन के टाइम तो तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, आपका विकास होगा, साफ सफाई होगी, स्वच्छ भारत अभियान रंग लाएगा, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है ये स्वच्छ भारत अभियान के जो मुंह पर काला धब्बा लगा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जगह के अच्छे दिन कब तक आएंगे। कैमरा पर्सन पौनुष कर्मा के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे, लखनऊ।